Hi everyone, welcome to UG Entrance Examination Bad at 24/7. So basically, in today's video session, we're gonna discuss about a very renowned and a popular university, which is a central university also, and that is Aligarh Muslim University. I know there are so many people who literally dream for this university, right? और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सबसे पहला एक सबसे जो frequent question students का आता है for 2022 and 2023 कि मैम क्या CUET के अंडर ये यूनिवर्सिटी आती है? तो बिल्कुल, जब आप CUET की यूनिवर्सिटीज को चेक करोगे तो सबसे पहला आपको यहाँ पर एनरोलमेंट AMU का ही दिखाई देगा, सबसे पहले नंबर पर आपको AMU ही दिखाई देगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, और बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर दी मुस्लिम्स ओनली, राइट? ऑफ कोर्स मुस्लिम्स का कोटा होता है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है। इट इज एक्चुअली कम्स अंडर UGC, तो बहुत ज़्यादा ये फेमस है होल सोल टर्म्स में। तो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में ही हम बात करेंगे, इसके एलिजिबल के बारे में बात करेंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। जब आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि CUET के थ्रू बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस नहीं है, बट जो भी है उनमें आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद सम ऑफ द वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो AMU को शॉर्ट में जाना जाता है, बट द फुल नेम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखने में कुछ इस तरह की आपको लगेगी ये यूनिवर्सिटी, बाकी अगर आप चाहो तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह मिल जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा मुस्लिम टच है तो इस वजह से कुछ उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर आप उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ वैसा ही लगेगा। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, सर सैयद अहमद खान, आपको पता है ही इज द मोस्ट रिनोन्ड पर्सनालिटी आई वुड से, और यही वो पर्सन है जो फाउंडर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। और अगर मैं NIRF के हिसाब से रैंकिंग करूं इसकी तो 11वें नंबर पर आपका 2022 के रैंकिंग के हिसाब से जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका कौन सा नंबर है आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, दैट इज नथिंग बट ओनली 11th, राइट? लेकिन हां, जामिया मिलिया इस्लामिया आपकी जो रैंकिंग है NIRF की उसके हिसाब से वो इससे थोड़ा सा आगे है, बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कुछ कम नहीं है। सो इस चीज को थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे। फिर अगर कुछ और चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कभी कभी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात होती है, एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल प्ले करता है इस पार्ट में। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जितनी पुरानी यूनिवर्सिटी और जितना उसको नेम फेम मिला उसी हिसाब से बच्चे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो अगर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट था वो एक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट 1920 में हुआ था। अर्लियर इट वॉज नोन एज मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल, लेकिन दिस वाज सेट अप ऑन 7 जनवरी 1877, लेकिन बाद में इट वाज नाउ एस्टैब्लिश्ड इन 1920 एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओनली, राइट? ऑफ कोर्स बहुत सारे विजन्स के साथ इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था, और इस यूनिवर्सिटी का मेन विजन यही था कि वो बच्चों को अच्छे से अच्छी ड्रीम जो उनकी है उसको फुलफिल करने में मदद कर पाए और बढ़िया स्कॉलर्स अपने पास से निकाल पाए। इसका जो मेन मोटो था दैट वाज अल्लामा अल इंसाना मलम या अलम, दिस मींस टॉट मैन व्हाट ही डिड नॉट नो, वो सारी चीजें लोगों को पढ़ाना जो उनको एक्चुअली में नहीं पता, राइट? इसके अलावा बात करूं आपकी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 1877 में इट वाज नोन एज माओ, व्हिच फुल फॉर्म यहां पर आपको दिया गया है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, बट 1920 में इट इज नाउ नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और तब से लेकर अभी तक हम लोग इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से ही जानते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो मुस्लिम जनता होती है या मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं वो इसकी तरफ ज्यादा अप्रोच करते हैं। बाकी मैं अगर आप लोगों को बताना चाहूँ तो या इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बाकी वाइस चांसलर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो प्रोफेसर तारिक मंसूर इज द वाइस चांसलर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। अकेडमिक स्टाफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 1623 टीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के बारे में अभी ये जो रिसेंट डेटा है वो आया है, एंड दैट इज 39,367। सो दिस इज अ ग्रेट डील। कैंपस आपका 467.6 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। बाकी इसका एफिलिएशन जो है वो UGC से तो है ही है, साथ में ही
AIU से भी है. सो अपने आप में एक वेल रिनोन यूनिवर्सिटी जिसका काफी सारा नाम भी सुना हुआ है आप लोगों ने. लेकिन ये और फेमस तब हो जाती है जब यहाँ से ऐसे कुछ लोग निकलते हैं जो जानी मानी हस्ती बन जाते हैं और लोगों के सामने उन्होंने काफी ज्यादा नेम फेम हासिल किया होता है. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी बहुत रिनोन एलुमनाय रहे हैं, वैसे ही यहाँ के भी काफी वेल नोन एलुमनाय रहे हैं. आपका अगर सबसे पहले मैं बात करूं जो जाकिर हुसैन है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं. देन इफ वी टॉक अबाउट खान अब्दुल गफ्फार जिनको भारत रत्न मिला था, वो भी इस यूनिवर्सिटी का पार्ट रह चुके हैं. मोहम्मद हामिद अंसारी जो वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वो भी यहाँ पर, वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं, राइट. मोहम्मद आमिन दीदी प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स. फिर नसीरुद्दीन शाह की बात करें, ये तो आपको बहुत वेल नोन होंगे, राइट. फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इनका नाम है. जावेद अख्तर, ठीक है, खुद जो म्यूजिक वगैरह कंपोज करते हैं, नोटेड साइन राइटर, कितने पॉपुलर हैं ये आपने देखा होगा, जाने माने चेहरे. फिर मंसूर अली की बात करी जाए जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं बांग्लादेश के, सोचो अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है. उसके बाद अब्दुल शेख मोहम्मद जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के. फिर उसके बात करते हैं मोहसिना किदवई की, ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर रह चुकी है हमारे भारत की, ठीक है. उसके बारे में उसके बाद बात करें मोहम्मद मोहसिना किदवई के बाद अगर हम बात करें तो साहेब सिंह वर्मा जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं दिल्ली के, प्रोफेसर इरफान हबीब, ठीक है. फिर शहरयार जो कि एक नोटेड पोएट थे. फिर जफर इकबाल की बात करें जो हॉकी प्लेयर है हमारे. फिर उसके बाद डॉक्टर उबैद सिद्दीकी की बात करें जिनको पद्म विभूषण मिल चुका है. उसके बाद तारिक मंसूर की बात करें जो खुद वाइस चांसलर है एएमयू के. तो आप खुद सोचो अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो. इवन मैं आपको अपनी वन ऑफ द वेरी नोन फैमिली मेंबर की ही बात बताती हूँ. मेरी एक कजिन है जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा और अब वो वहीं पे ही प्रोफेसर हैं, वो वहाँ पे पढ़ाती हैं. तो कई बार तो ऐसा होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो आपको खुद भी प्लेसमेंट दे देती है अपनी ही पर्टिकुलर किसी कॉलेज में, राइट. तो दिस इज समथिंग विच इज रियली वेरी वेल अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. इसके बाद अगर हम कुछ कॉलेजेस के बारे में बात करें तो इट हैज यूजीसी एचआरडीसी, राइट. दिस इज फॉर्मली नोन एज एकेडमिक स्टाफ कॉलेज. फिर पैरामेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वुमेन्स कॉलेज, देन डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज, अजमल खान तिब्बिया कॉलेज, देन कम्युनिटी कॉलेज. इनके अपने को बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं. सो अपने आप में ये सारी चीज़ें जब हम लोग जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल इसका कितना ज़्यादा फेम है हमारे पूरी जो जर्नी रही है इस चीज की उसमें, राइट. फिर इसके बाद अब बच्चे का क्वेश्चन एक फ्रीक्वेंट हमारे पास आता है कि मैम क्या हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में. तो भाई एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना है तो क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सीयूईटी के थ्रू इसका, ये यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंडर है और आप इसके थ्रू अगर जाना चाहते हो कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज हैं, मैं अभी दिखा दूंगी कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके लिए आप जा सकते हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में. लेकिन क्या आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, तो बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पर आपको नॉट एट ऑल, यू कैन नॉट गेट डायरेक्ट एडमिशन ओवर हियर. आपको एंट्रेंस टेस्ट या तो देना पड़ेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ठीक है, या फिर आपको सीयूईटी के थ्रू ही इस एग्जाम को क्लियर करना है, उसके बाद आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हो. अब एक बच्चे जो बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस में से पूछते हैं कि मैम मैं तो हिंदू हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा मुस्लिम्स के लिए ज्यादा रिनोन है, ठीक है, ज्यादा जानी जाती है, तो मैं हिंदू होते हुए तो क्या मैं इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूँ. तो एएमयू इज कंसिडर्ड एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एज यू ऑल नो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंसिडर करी गई है यूजीसी के द्वारा. तो द वर्ड मुस्लिम डजंट मींस इट इज ओनली फॉर मुस्लिम. मुस्लिम नाम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये मुस्लिम्स के लिए ही एग्जिस्ट करती है. ऑफ कोर्स दिस इज फॉर हिंदू आल्सो. मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो हिंदू भी हैं और यहाँ पे पढ़ रहे हैं. सिमिलरली बीएचयू भी आपकी, ठीक है, बीएचयू जैसे आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते कि ये सिर्फ हिंदू के लिए ही है क्योंकि नाम से इसके लगता है, राइट. यू कैन ऑल्सो गेट एडमिशन लाइक अदर स्टूडेंट्स गेट, एंड आफ्टर ऑल मेनी नॉन मुस्लिम वर स्टडिंग विदाउट हैविंग प्रॉब्लम्स इन AMU. बहुत सारे एल्यूमिनाय भी आपने देखे होंगे यहाँ पर कि जो एक्चुअली में हिंदू रहे हैं लेकिन यहाँ से पढ़ करके निकले हैं, ठीक है. सो इसका टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें कि अगर आप हिंदू हैं तो आप एडमिशन नहीं ले सकते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में. देन आपसे एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंट बच्चों की तरफ से आता है कि मैम क्या ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एज आई टोल्ड यू ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, दिस इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. बाकी ओरिजिनली इट वॉज स्टैब्लिश बाय सर सैयद अहमद खान एज मोहम्मद एंड एग्लो ओरिएंटल कॉलेज.
इसकी डेट 1875, कुछ लोग 1877 कहते हैं, सो इट वरीज, बट ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AMU फेमस किसके लिए है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा अगर AMU जाना जाता है तो अपनी रैंक की वजह से जाना जाता है। जो 20 रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से एक नंबर की रैंक है इसकी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, ठीक है। बाकी जो एस्टैब्लिशमेंट है नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज का, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज गई, लेकिन इसने अपने नेम फेम को उसी लेवल पर बना करके रखा हुआ है, इसी वजह से लोग फ्रीक्वेंटली इसके लिए जाते हैं। और ये अपने जो जो एक कैरेक्टर बिल्डिंग बोल दो आप, उसके लिए बहुत ज्यादा जाना चाहता है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट दिस यूनिवर्सिटी हैज बीन मेंटेनिंग इट्स नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल कैरेक्टर एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, चाहे एकेडमिक हो, चाहे टीचर्स की बात कर लीजिए आप लोग, या फिर वहाँ का जो पूरा का पूरा एटमोसफेयर है उसकी बात करिए आप लोग, हर चीज में काफी ज्यादा वेल नोन है ये। फिर हम बात करेंगे कि AMU के प्लेसमेंट्स कैसे हैं, भाई AMU का प्लेसमेंट कैसा होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारी सालाना तनख्वाह कितनी होगी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स यहाँ पर ये पिछले साल का लिखा हुआ है 5597 रहे हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो 5597 रहे थे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका प्लेसमेंट हुआ था वो थे 1228। तो अब आप सोचो 5000 में अगर 1000 के आसपास भी बच्चा अगर प्लेसमेंट ले रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बाकी मैं आपको बता दूं, जो करंट CTC के हिसाब से बच्चे वहां पर गए तो मैक्सिमम अगर मैं आप लोग को बताऊं, INR के हिसाब से इनका जो टोटल एनुअल इनकम रहा है वो 800,000 के आसपास रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके प्लेसमेंट्स अच्छे होंगे। एज आई टोल्ड यू कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुद भी ऑफर करती है अपने यहाँ के जो लोग होते हैं उनको एज अ प्रोफेसर कि भाई आए और आप हमारे यहाँ आकर के पढ़ाएं, राइट। बस क्वालिफिकेशन आपकी उतनी होनी चाहिए। बाकी अगर मैं बताऊं कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर आती है प्लेसमेंट देने के लिए, सो आपने बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम सुना होगा, स्मार्ट प्रेक्स, ओपरा सॉल्यूशन, NPCL, LT, विप्रो, विप्रो अपने आप में बहुत वेल नोन है, TCS, डॉन रिवर, तेजस नेटवर्क, स्ट्रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, अरेबिक कंप्यूटर्स, तो ये कंपनीज हैं जो आती हैं AMU में और आकर के प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सारी क्लैरिटी आप लोगों को मिल रही होगी। बाकी अगर आप CUET के थ्रू जाना चाहते हो तो मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों को बोलूंगी कि देखो आपको कुछ नहीं करना, आप अगर जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पता करना चाहते हो कि वहां पे कौन कौन से कोर्सेज के लिए हम जा सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास होने चाहिए, तो आप CUET.summer.ac.in पर जाइए, वहां पे यूनिवर्सिटीज में क्लिक करिए। जैसे मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्लिक करूंगी तो सबसे पहले मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम मिल गया। मैंने इसके नीचे चेक करके देखा तो सीधे सीधे यहाँ पर कुछ नोट लिखा हुआ है जो हर एक के लिए कॉमन है, ठीक है। अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं करते हैं, अगर आपने कोई ऐसा पर्टिकुलर टेस्ट है जो नहीं दिया लेकिन आप इस कोर्स के लिए एंटर करना चाह रहे हो इस यहाँ पर, और एलिजिबिलिटी अगर आपकी मीट नहीं कर रही है तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, बट ऑब्वियस चीज है। तो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर, कौन कौन सी डिग्रीज आपको ऑफर करी जा रही है, तो BWOC है, BWOC प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का। इसके लिए अगर आपने CUET का पेपर दिया है तो आपके पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे बोली गई है कि एलिजिबिलिटी जो रहनी चाहिए वो आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि आपने 12th पास आउट अपना किया हुआ हो, एक पर्टिकुलर मतलब किसी पर्टिकुलर स्कूल से आप पढ़े हुए हो, आपके पास प्रॉपर 12th पास आउट होना चाहिए, 45% अगर आपके मार्क्स हैं तो चल जाएगा। अभी मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी, गलगोटियास के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें 50% 60% वाले लोगों को ही लिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थ्रू CUET इन्होंने दिया हुआ है वो 45% ही है BWOC के लिए। BWOC का एक और कोर्स यहाँ पर आपको शो किया गया है, पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, CUET के थ्रू ओनली। इसमें आपके पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स अगेन चाहिए और सेम आपका 12th पास आउट होना चाहिए विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। BWOC का एक और यहाँ पर इन्होंने आप लोग को प्रोवाइड किया हुआ है फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, इंग्लिश बहुत सारे बच्चे, इवन मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं खुद भी यहाँ पर, ठीक है, इसी फैशन डिजाइनिंग के लिए, BWOC के लिए मैंने यहाँ पर खुद AMU का एंट्रेंस दिया हुआ है। हमारे टाइम पर डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे इसके, ठीक है। तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट का आपको डोमेन स्पेसिफिक दिया होना चाहिए। अगर आपने जनरल टेस्ट दिया है, इंग्लिश दिया है, मैथमेटिक्स दिया है तो आप इस कोर्स के लिए जा सकते हो, और आपका 12th
45% मार्क्स के साथ होना चाहिए। बीए ऑनर्स आप कर सकते हैं यहाँ पर संस्कृत से। अब आप सोचो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है बट संस्कृत यहाँ से आप कर सकते हो, बीए ऑनर्स कर सकते हो, आपके पास इंग्लिश और जीटी डोमेन स्पेसिफिक मतलब तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने इंग्लिश और जनरल टेस्ट दिया होना चाहिए। और यहाँ पे बोला जा रहा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और इक्वल एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 50%, 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। या फिर दूसरा इन्होंने बोला है डिग्री सनद फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन मदरसा एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि वो बच्चा जो मदरसा वगैरह में पढ़े हुए भी है वो भी 50% मार्क्स के साथ अगर क्वालिफाइड है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ ब्रिज कोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम एएमयू विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। सो ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया कि कौन कौन से लोग यहाँ पर इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन बीए ऑनर्स पर्शियन में भी है आपके पास, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज के लिए भी आप जा सकते हो। इंग्लिश जीटी आपने दिया होना चाहिए, ठीक है, और इसके लिए भी सेम वही चीजें 50% एग्रीगेट के हिसाब से मांगी गई हैं आपकी। बीए ऑनर्स आपका वुमेन स्टडीज में भी है, उसके लिए भी आपको इंग्लिश और जीटी का टेस्ट देना था। फॉर व्हाट मैं आपको अगर बताऊं तो ये आपका जो सीयूईटी का एग्जाम है उसमें आपने इंग्लिश जीटी अगर लिया हुआ है, आप खुद सोचो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के लिए आप जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन देखोगे कि अगर आपके पास इंग्लिश और जीटी है तो आप नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल हो। आप खुद सोचो इंग्लिश के साथ जीटी का कॉम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट था सीयूईटी में देना, राइट। फिर इसके बाद अगर बीए हिंदी में भी है यहाँ पर, उसके लिए भी इंग्लिश और जीटी आपके पास होना चाहिए था, सेम वही 50% मार्क्स एग्रीगेट के साथ, वो सेम चीजें दी गई हैं जो पहले आपको बीए कोर्स के लिए संस्कृत के लिए दी गई थी। देन आपका बीएससी का एक ऑप्शन यहाँ पे आता है कि बीएससी आप होम साइंस के लिए कर सकते हो, आपके पास इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स और होम साइंस होनी चाहिए। सो आप देख रहे हो कितने स्पेसिफिक कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड, अगर मैं गिनती भी करूँ तो कितने कोर्सेज हैं, आप 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है, और ये हो गया आपका 7 और ये रहा लास्ट 8। बीएससी भी दिया है तो उन्होंने होम साइंस में दिया है और आपसे बोला गया है कि आपके जो मार्क्स हैं वो 50% के हिसाब से होने चाहिए। और इन्होंने बोला है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बायोलॉजी होम साइंस ये वाले सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12th में भी होने चाहिए। सो आप देखो कितने कम कोर्सेज आपको ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो अब आप नंबर ऑफ सीट्स का अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत ज्यादा सीट्स इसमें आप लोगों को नहीं मिलेंगी, ठीक है। बाकी डिफरेंट कोर्सेज के हिसाब से डिफरेंट सीट्स होती हैं। अगर आप चाहें तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। आपको एक छोटी सी चीज दिखाऊंगी मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन यहाँ पर इनकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट भी हो गई है जहाँ पर ये एएमयू का एंट्रेंस के साथ आपको एडमिशन देते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की साइट पर अगर जाएंगे, सी दिस इज दी साइट, राइट, और अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर एडमिशन्स और एग्जाम्स को तो इनके खुद के आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर वेरियस कोर्सेज 2022 एंड 2023, जो अपना एंट्रेंस ये करवाते हैं उसकी इनकी एडमिशन और काउंसलिंग की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड जल्द ही वी आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे ही सीयूईटी का रिजल्ट आता है ये अपना उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि सीयूईटी के थ्रू भी अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो वो जल्द से जल्द कर सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को एक ओवरऑल व्यू मिल गया होगा। स्टिल इफ यू पीपल हैव एनी कन्फ्यूजन एनी डाउट यू पीपल कैन डेफिनेटली आस्क अस इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो, और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो तो डेफिनेटली आप हमें यहाँ से पूछ सकते हैं। मैं अभी आप लोगों के कॉमेंट्स भी ले सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप लोग मेरे से कॉमेंट्स में भी डिफरेंट चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। ग्रेट, सो आई होप आई हैव गिवन यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। तो आप लोग को और भी बहुत सारे, मेरे को पता है जब यूनिवर्सिटीज के बारे में आप सुनते हो तो आपको नंबर ऑफ डाउट्स आते हैं, इफ यू हैव डेफिनेटली यू कैन डिस्कस इट टू अस, और हमें आप कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। फीस के बारे में बेटा, जब आप फीस जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की साइट पर आप जाओगे ना, ठीक है, एक बार सीयूईटी का रिजल्ट आ जाने दो, काउंसलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको फीस भी पता चल जाएंगी। बाकी वी विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑफ द फीस स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज, जिसके बारे में भी हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे, राइट। सुबह मैंने गलगोटियाज का किया था, अभी मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किया, तो इसके भी जो भी फीस स्ट्रक्चर है उसको मैं आप लोगों को बता दूंगी, तो डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। नहीं, Only the courses mentioned over here, वही आप कर सकते हो, otherwise कुछ नहीं।